जी हाँ नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप भी घर बैठे जॉब करना चाहते हो या आप भी पार्ट टाइम जॉब करके अच्छे पैसे कमाना चाहते हो? दोस्तों आपने भी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, आप कॉलेज करें या जॉब करें, घर को का साथ दें या घर को पैसे कैसे कमाएं? तो फाइनली आज के इस वीडियो में मिलने वाला है आपको एकदम क्लियर घर बैठे जॉब करने का मौका। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो आपको देने वाला है घर बैठे जॉब करने का मौका। तो फाइनली दोस्तों हो जाइए तैयार, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा जॉब करने का एक सुनहरा मौका। दोस्तों आपको पता है ऑनलाइन काफी कंपनी चल रही है, कंपनी में जॉब घर बैठे कैसे करोगे? दोस्तों पैकिंग जॉब हो गया, बिसलरी जॉब हो गया, कुरकुरे जॉब हो गया, या फिर जो पेड़े मावे जो भी है, अलग अलग प्रकार के हर एक प्रकार के जॉब आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जॉब करने का एक अच्छा तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है इस टाइम जैसे कोविड का टाइम आया था तो फाइनली कुछ लोगों को आपको पता है कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में लेबर की कमी हो गई या लेबर कम किए गए, उसमें हजारों, जिस कंपनी में हजार लोग काम करते थे उसमें 200 लोग काम किए तो बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी को बढ़ते देख के लघु उद्योग लागू हुए और लघु उद्योगों के अंदर माल आपको सप्लाई किया गया, गांवों के लोगों को आपको कंपनीज में जॉब दिया गया। तो फाइनली अब हम मिलाने वाले हैं, तो फाइनली वीडियो में बने रहना क्योंकि आज की जो मोस्ट जानकारी आपको मिलने वाली है इस भाई साहब की ओर से, वो बताएंगे हमें क्या सच में पैकिंग जॉब मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे लोगों को नमस्कार कीजिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश चौधरी है और मेरे को जॉब मिली थी ऑनलाइन, जो जॉब वाला जो एड दे रखा था उसमें पहले दे रखा था कि आप महीने के 60,000 रुपये कमा सकते हो। अच्छा, मतलब महीने के 60,000 रुपये आप कमा सकते हो, तो कौन सी कंपनी थी? जी सर पैकिंग की कोई कंपनी थी जिसमें मेरे को कहा गया था कि सिर्फ आपको 10 डब्बे दिन के पैक करना है। नहीं, क्या चीज़ पैक करना है? पेंसिल, ये पेंसिल। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको बताया ही था कि पैकिंग जॉब के अंदर आपको मिलने वाले हैं, तो पेंसिल पैकिंग जॉब में आज इनको 60,000 रुपये का जॉब मिला था। तो फाइनली मैंने सोचा अपने लोगों को भी बता दूं क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जी हमें भी बताइए, सर हमें भी बताइए कि हम भी करना चाहते हैं जॉब, घर बैठे करेंगे जॉब, तो कैसे होगा घर बैठे जॉब, आज इनसे पूरा जानेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि कंपनी वालों ने आपको क्या कहा कि माल आपको ले जाना होगा या आपके घर पे बैठे काम करना होगा? जी सर, जब मैंने पहली बार वो एड देखा था तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा। तब मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे से लिए गए थे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा था कि आपकी महीने की जो सैलरी है वो 60,000 होगी, बस करना आपको ये है घर बैठे आपको पेंसिल के डब्बे पैक करने हैं। अच्छा, पेंसिल के डब्बे पैक करने हैं और महीने की सैलरी होगी दोस्तों 60,000 रुपये। तो 60,000 आप भी कमाना चाहते हो, एकदम सुनहरा मौका, तो सुनिए आगे। हाँ जी, आगे फिर क्या हुआ सर? पहले मेरे से बोला था कि ठीक है हम आपको वापस कांटेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी जो डेटा है वो हमें दे दीजिए। अच्छा, जो मेरे से मेरा मतलब निजी डेटा था वो ले लिया मेरे से। अच्छा, निजी आधार कार्ड वगैरह ये सब? आधार कार्ड सब ले लिया। अच्छा, सर। अच्छा। तो उसके बाद में क्या कंपनी का माल, वो बात हुई कि कंपनी माल देने आपके घर पे आएगी? जी नहीं सर, पहले मेरे को कहा था कि आप पहले 7,000 रुपये दीजिए। वो किस चीज़ के? सर बोला था कि आपको जो जॉब में पहले 7,000 रुपये जमा कराने होंगे। अच्छा, मतलब किस चीज़ के? क्या बोला था? आईडी कार्ड वगैरह या कुछ पैकिंग जॉब के लिए जो मशीन होती है उसके लिए? मशीन के लिए बोला था सर। अच्छा, मशीन के लिए। दोस्तों यानी कि 7,000 रुपये में 60,000 की जॉब पाइए, एकदम सुनहरा मौका दोस्तों। तो आइए आगे सुनते हैं फिर क्या हुआ था। जी सर, बाद में काफ़ी दिन हो चुके थे, मैंने आप बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन मेरा उनसे कांटेक्ट हो रहा ही नहीं है सर। अच्छा, नहीं माल आपके घर पे नहीं है पेंसिल का? नहीं है सर। तो क्या बताए थे पेंसिल का कि आपको कितने डब्बे पैक करने हैं दिन के? सर कुछ नहीं, बस ज़्यादा नहीं, 10 डब्बे का बोला था सर। अच्छा, 10 डब्बे पैक करने हैं और 10 डब्बे में मतलब जनरल नॉलेज का आपको सवाल है, 10 डब्बे में कच्ची पेंसिल जो होती है वो 10 ही आती है। तो फाइनली आप भी बने रहो साथ, आगे और क्या आता है, एकदम अच्छी खबर आपको मिलेगी, आप भी घर बैठे जॉब कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ था, आपको जॉब मिल गया? मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन मेरे को जॉब तो नहीं मिला सर। तो क्या हुआ? सर मेरे से 7,000 रुपये की ठगी कर ली गई। अच्छा, 7,000 की ठगी कर ली गई? हाँ सर। यानी कि जॉब के नाम पे ठगी गई, यानी पैसे लिए आपको कंपनी ने जॉब नहीं दिया। दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, धन्यवाद आपका, चलो देखेंगे कौन सी कंपनी। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा कंपनी ऑनलाइन जॉब के नाम पे किस प्रकार से इस टाइम लूट का काम चल रहा है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि आप ऐसे लोगों की ठगी में ना फंसे। दोस्तों आपको पता है ऑनलाइन कहीं पे जॉब नहीं मिलता। दोस्तों ये कौन सी कंपनी है जो एक घंटे काम करवा के 60,000 देगी? गवर्नमेंट नौकर को नहीं मिलता, गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं मिलता,
इतनी बड़ी रकम अगर किसी को मिलती है तो वो कंपनी जो फ्रॉड वाले ही बता सकते हैं कि हम आपको 60,000 देंगे, आपको करना है सिर्फ 5 डब्बे पैक। दोस्तों ऐसे लालच में आप कभी मत आ जाना, ऐसे लालच वाले लोग ठगे जाते हैं, बताए जाते हैं कंपनीज के अंदर काम होता है। अगर कंपनी ऐसी रियलिटी कंपनी है तो वो फाइनली आपको पहले ऐसा कुछ नहीं बताएगी, फाइनली आपके घर पे सामान ला के देगी और बोलेगी भैया पैक कर दो, पैक करते ही आपको पैसे लेके जाओ, इतना काम होता है। या फिर कोई लघु उद्योग लगता है तो वो अपने निजी गाँव के अंदर, सिर्फ निजी गांव के अंदर ही लोगों को वो सामान देता है कि आप पैकिंग कीजिए, और वो चीज़ें होती है दोस्तों उनके जो निजी गांव के जो लोग होते हैं उनमें या तो उस जो लघु उद्योग होता है या कंपनी जो होती है वहाँ पे एक उसका वर्कर काम करता है, उसी के घर पे ये माल रिटर्निंग का काम दिया जाता है, ना कि हर एक लोगों को। ये ऑनलाइन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा झांसा है, इसमें काफ़ी लोग फंस चुके हैं। दोस्तों आप में से भी कोई फंसा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में ऐसे जॉब के लालच में, क्योंकि महामारी कितनी चल रही है, बेरोजगारी कितनी चल रही है, तो फाइनली लोग यही सोचते हैं कि घर बैठे 5-10 रुपए कमा ले, तो ऐसे लालच में आपको नहीं आ रहे। तो फाइनली ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था, तो आप हमें कमेंट करके बताना ताकि आगे के लोगों को भी हम सतर्क करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।